हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अलार्म सेटिंग करनी हो या अलार्म सेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिएगा, आज वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको अलार्म सेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर जो क्लॉक का ऑप्शन हो जाता है इसमें आ जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन दो मिल जाता है अलार्म। जैसे ही आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में 1:15 का अलार्म लगा हुआ है। वहीं से अगर हम आपको सेट का दूसरा अलार्म लगाना है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना हो। जैसे इस पर क्लिक कर लेना हो, मान लो हमें लगाना हो सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया, तो यहाँ से हम 4 सेट करेंगे। यहाँ 2 मिनट का टाइम है, यहाँ से अगर ये PM है तो इसे AM कर देंगे। यहाँ से आपको 4:02 का इस टाइम हो गया। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है रिपीट। इसे आप कब सुनना चाहते हैं, संडे संडे किसी दिन या एवरी डे। अगर आपको किसी एक दिन का लगाना हो, ओनली संडे का या सैटरडे का, तो उस हिसाब से सेट कर सकती है। या आपको एवरी डे का लगाना हो प्रत्येक डे का, तो इस पर टिक कर देंगे। यहाँ से आपको रिंगटोन का ऑप्शन मिल जाता है, वाइब्रेट मिल जाती है, स्नूज मिल जाता है, और इसे यहाँ से डन कर देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा 4 बजे अलार्म बज गया, जो कि 7 घंटे 38 मिनट का टाइम है। उसके बाद ये बच जाएगा। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर अलार्म सेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना भूलें, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।